नमस्कार, AKS यूनिवर्सिटी सतना खबरों के साथ मैं हूं सत्यभूषण सिंह। विश्वविद्यालय ने अपने सामाजिक सरोकारों की तरफ एक कदम बढ़ाते हुए सतना शहर के साथ साथ विंध्य अंचल के पेंशनर्स का एक कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम के दौरान पेंशनर्स ने अपनी कुछ बातों पर चर्चा की। विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री VP सोनी जी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। उन्होंने अपने उद्बोधन में पेंशनर्स के लिए कुछ जरूरी बातें कही, आइए देखते हैं। सबको मैं प्रणाम करता हूं। सन 2011 में जब यूनिवर्सिटी खुलनी थी तो मैंने आप लोगों को सूचित किया था कि AKS यूनिवर्सिटी सतना में खुलने जा रही है। आप लोग आशीर्वाद दें, आप सब लोगों ने आशीर्वाद दिया। 2012 में मैंने इस बात को बताया कि यूनिवर्सिटी प्रारंभ हो चुकी है। 2013 में मैंने बताया कि भारत के हर राज्य के लड़के यहाँ पढ़ते हैं और इस प्रकार से चलते चलते 2015 तक आपसे आशीर्वाद लेता रहा, लेकिन वो आशीर्वाद बाहर से लेता रह गया। मेरी इच्छा थी कि अब की आप लोग आशीर्वाद विश्वविद्यालय ना कर दें, तो मैं अब चाहता हूं कि इस बार आप अपने दिल से इस AKS यूनिवर्सिटी को आशीर्वाद दें। बस इसी आशीर्वाद की कामना करता हूँ और मेरी कोई और दूसरी आपसे कामना नहीं है, केवल यही है कि आप लोग आशीर्वाद दें। आपका आशीर्वाद ही फलीभूत हो रहा है। ये जो आप देख रहे हैं विश्वविद्यालय परिसर को, ये कोई नई चीज नहीं है, ये आपके हृदय से निकला हुआ उद्गार है जो आज यहाँ फलीभूत हुआ है। और ये मैं आशा करता हूँ कि आपका आशीर्वाद अगले वर्ष दुगने रूप में आएगा। विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने कर्नाटका में माइंस की विजिट की। इस विजिट के दौरान छात्रों ने क्या सीखा, क्या देखा और कैसे अपने ज्ञान में वृद्धि की, आइए देखते हैं। ज्यादा आगे नहीं जाना, की खबरों में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ करेंगे फिर मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।